हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो तुम लोग सब फाइन हो। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो आज हम लोग ओसी के सेकेंड लेसन के सेकेंड पार्ट के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्लानिंग का एकदम ही बेसिक कवर किया था, जो कि आपको थोड़ा सा बहुत याद आ रहा होगा। दो डेफिनेशंस कवर की थी, पहली थी कून्स एंड ओडोनल की और दूसरी थी जेम्स टोनर की। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये हमारे सिंसियर एफर्ट्स है और हम लोग इसलिए एफर्ट्स करके वीडियो डाल रहे हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनका लॉकडाउन में स्टडी स्टॉप हो गया है और कोई भी कारण की वजह से वो स्टडी वापस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, उन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जन इसका बेनिफिट ले सके। और एक चीज़, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक का बटन हिट कीजिए और हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से। अभी आप पूछोगे, सर प्लानिंग का आपने डेफिनेशन वगैरह तो बता दिया, पर प्लानिंग किस काम का? अभी प्लानिंग क्यों काम का है? सबसे बेसिक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लानिंग क्यों काम का है वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बताता है। भाई क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, वो बताता है प्लानिंग। समझ में आया? हर चीज का क्यों जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लानिंग में अपने को ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं कि हमें प्लानिंग करके क्या हासिल होने वाला है। और दूसरी चीज, हमको एक पाथ ऑफ एक्शन मिलता है, हमको एक रास्ता मिलता है। कल एक डेफिनेशन में हमने देखा था कि हमको उस चीज का आंसर मिलता है कि वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, उसके बीच का जो रास्ता है वो हम इस प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं। तो प्लानिंग नहीं होगा तो आप सोचो, मुझे अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ गाड़ी लेके, मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है वो मुझे डेस्टिनेशन ही पता नहीं, तो मैं कंटिन्यूस चक्कर लगाते रहूंगा, घूमते रहूंगा इधर से उधर और मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे करना क्या है। तो प्लानिंग से मुझे वो डेस्टिनेशन का पता चलेगा कि मुझे फ्यूचरिस्टिक व्यू रख के क्या करना है। तो आइए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर। यहाँ पे क्या बोला है कि हमको एक आउटलाइन बताता है कि कहाँ पे जाना है, इंपॉर्टेंट, फिर सेकेंड चीज कैसे जाना है, और जो अपना अनसर्टन फ्यूचर है। अभी देखो, सबका फ्यूचर अनसर्टन है, कल जाके क्या हो सकता है अपन बोल नहीं सकते, पर एटलीस्ट वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होके प्लानिंग तो करके रखे। जैसे ये कोरोना के केस में इंडिया का फ्यूचर अनसर्टन है अभी तक, इंडिया में कितने केसेस बढ़ेंगे, पर गवर्नमेंट रोज के रोज प्लानिंग करके कितना कंट्रोल करते आता है उस पर फोकस करती है। तो इसी तरीके से हमको प्लानिंग से जो रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर है उस पर कंट्रोल करते आएगा। फिर आगे क्या बोला है, रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का कल मैंने मतलब बताया था, आगे आने वाली चीज को पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखना। समझ में आया? तो फोरकास्टिंग से मैं जो मेरा अनसर्टन फ्यूचर का रिस्क है वो मैं अब भी कंट्रोल कर पाऊंगा। और वो कैसे कंट्रोल होगा? प्लानिंग से। प्लानिंग मतलब ही क्या? प्लानिंग में सब पार्ट थोड़ा सा फोरकास्टिंग भी करते हो। अभी एक एग्जांपल वापस, सपोज मैं स्टडी का प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के स्टडी करूंगा, तो इसमें आपने एस्टिमेट क्या किया, प्रिडिक्ट क्या किया, कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्टडी को बैठूंगा। समझ में आया? फिर आगे कवर करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। इम्पॉर्टेंस एक एक करके स्टडी करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। इसके टोटल पॉइंट्स कुछ 10 है, तो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देके सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, तो आपको इस आंसर को लर्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग से मुझे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं कि मेरा आगे टारगेट क्या है, मुझे प्लान क्या प्लान करके अचीव करना है वो टारगेट। जैसे मुझे प्लानिंग में आप सोचोगे कि मुझे रैंकर बनना है, रैंकर बनना मतलब क्या, कितने मार्क्स लाने हैं, 90% फर्स्ट रैंकर को है, चलो फिर 91% लाने हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव या फिर टारगेट सेट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे इसका रीडिंग। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स
टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। प्लानिंग क्या क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, टारगेट सेट करता है और प्लान्स बनाता है ताकि हम उसको अचीव कर पाए। समझ में आया, एकदम सिंपल है। टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करके प्लान फॉर्मुलेट करना जिससे मैं वो अचीव कर पाऊँ। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड पोजिशन इन फ्यूचर। मतलब क्या, मैनेजर को जो करंट पोजिशन है उसको एनालाइज करना या उसको स्टडी करने में हेल्प करता है और उसी के बेसिस पे वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है या वो सोचता है कि मैं कौन से वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजिशन, फ्यूचर पोजिशन सिक्योर कर सकूं। वापस एक एग्जांपल, आप अगर सपोज आपके कल का ही एग्जांपल ले लेते, वापस टग ऑफ वॉर की टीम के कैप्टन हो तो आप मैनेजर हो, तो टग ऑफ वॉर की टीम के कैप्टन में आप क्या करोगे, हर टाइम जो है वो सिचुएशन एनालाइज करोगे। सपोज एक एग्जांपल उसमें भी ले लेते कि आपका एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गया, तो आप सोचोगे कि इसकी जगह पे मैं कौन सा प्लेयर रिप्लेस करूं ताकि मैं ये मैच में जीत सकूं। तो आप काइंड ऑफ प्लानिंग कर रहे हो। समझ में आया, आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज कर रहे हो और वेज आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन से वेज से वो मैं डिजायर्ड पोजिशन इन फ्यूचर अचीव कर पाऊँ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एकदम। जाते हैं अभी सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट ही भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था। वापस एक बार, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, मुझे करना क्या है, एक्शन प्लान क्या होगा मेरा, इसके बारे में प्लानिंग बताता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं पाथ ऑफ एक्शन बताता है। प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग अपने को बताता है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियरली दिए हुए हैं और स्टेटेड है ऑलरेडी, तो अपने को गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग करने के बाद वापस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। यू कैन अंडरलाइन दिस इन योर टेक्स्ट बुक, डूइंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद राइट वे। राइट चीजें करना, राइट टाइम पे करना और राइट वे में करना, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, राइट चीजें करना, राइट टाइम पे करना और राइट वे में करना। समझ में आया, एकदम सिंपल है यहाँ तक। एक कुछ भी आपको डाउट रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे कोई भी तरीके से कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी वे सुटेबल है मेरे लिए एक्सप्लेनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो वॉट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड वॉट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। ये एम्प्लॉयज को बताता है कि इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो वॉट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू। एम्प्लॉयज को हेल्प करता है ये बताने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए ताकि वो उसके गोल्स अचीव कर पाए। अभी मुझे मेरी टीम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या करने से मेरी टग ऑफ वॉर की टीम गोल अचीव कर पाएगी, यानी कि क्या करने से वो जीत पाएगी। समझ में आया यहाँ तक, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बेझिझक। टेक्स्ट बुक रीडिंग भी कर रहा हूँ मैं ताकि आपका टेक्स्ट बुक का पार्ट भी कवर हो। जहाँ पे मुझे लग रहा है डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने देने की पूरी पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट मुझसे स्किप हो गया होगा या कोई पॉइंट में आपको डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग से अपना परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, प्लानिंग करने से मैं रोज कुछ ना कुछ सीखूंगा। आज मेरा ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ, रोज मैं चेक करते जाऊंगा, तो वो मैं चेक करने से पता कर सकता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। जैसे आज मैंने प्लान किया कि 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 3 घंटे की जगह पे 2.5 आवर स्टडी हुआ। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि 3.5 आवर स्टडी करना है, 3 आवर्स का स्टडी हुआ। भले मेरा स्टडी टारगेट से कम हो रहा है पर अगर आप देखोगे तो रोज हाफ आवर का इम्प्रूवमेंट है, तो वैसे मैं मेजर करते जाता हूँ मेरे परफॉर्मेंस को। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। पहले दोनों पॉइंट को लिंक करके यहाँ पे बोला क्या, पहले दोनों पॉइंट क्या थे अपने, फर्स्ट पॉइंट था अपना हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंड पॉइंट था प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तो ये दोनों पॉइंट को लिंक करके ये पॉइंट में डाला गया है। क्या बोला इन लोगों ने कि वो जो
ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर परफॉर्मेंस देख सकती है ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट, वो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके हिसाब से कैसा काम चल रहा है मेरा और कोर्स ऑफ एक्शन मैंने आगे क्या लेना चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स को लिंक करके मैं मेरा फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा है वो डिसाइड कर सकता हूँ। समझ में आया है? अगर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली प्लानिंग हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको रास्ता ही पता नहीं है, तो ऐसे ही चले जा रहे हो। समझ में आया? तो इसलिए ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। प्लानिंग लीड्स टू इफिशियंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज, प्लानिंग से एम्प्लॉयज का इफिशियंट वर्किंग होता है। अपन क्या है, अभी देखो प्लानिंग से मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, उसमें एक एम्प्लॉय काम करता है, वो रोज का मुझे 6 आवर्स का प्रॉपर आउटपुट देता है, 6 घंटे वो प्रॉपरली काम करता है। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे मेरा प्रोडक्शन लेवल जो है मैन्युफैक्चरिंग लेवल, पहले 10,000 यूनिट्स करता था, अभी मैं 20,000 यूनिट्स करूँगा, तो मुझे वो 6 आवर्स का उसका लेबर आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने लेबर आउटपुट बढ़ाया तो मैं उसके अगेंस्ट 8 आवर्स का, सपोज मैंने 8 घंटे का डिसाइड किया है कि उसका लेबर आउटपुट होना चाहिए और वो 7 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे, तो मैं उसका परफॉर्मेंस जो है वो प्रिडिक्ट कर पाता हूँ और उस हिसाब से वो कितना इफिशियंट है वो मैं जज कर पाता हूँ। सपोज 10 आवर्स किसी का है वर्किंग और उसने मुझे 8 आवर्स ही दिया सपोज, तो उसकी इफिशियंसी हुई 80%, 8 divided by 10 into 100, तो efficiency हुई 80%। समझ में आया? आगे, planning leads to efficient working of employees. Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines. Employees को timely guidelines दी जाएगी कि आपको इतने time में इतना काम cover करना है, क्योंकि आपने plan किया हुआ है, मेरा objective इतना production निकालने का है, तो suppose आपने timely guidelines उनको दिए हुए कि ये time में इतना काम cover होना चाहिए। जैसे आपके क्लासेस में भी या फिर आपके कॉलेजेस में भी आपको टाइम लिमिट दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर सबमिशन करना है आपको आपके होमवर्क का, तो आप रोज टाइम गाइडलाइंस के हिसाब से काम करके वो 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट करोगे। तो प्लानिंग से ये फायदा होता है कि टाइम के अंदर काम कंप्लीट होता है। समझ में आया? आगे, दिस इम्प्रूवमेंट इज इन परफॉर्मेंसेस रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी टाइमली परफॉर्मेंस है, टाइम दिया हुआ है आपने, टाइम सेट किया हुआ है कि इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो एम्प्लॉयज फास्ट काम करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। आप इस लेसन को समझने के लिए 2 रोल्स यूज कर सकते हो, पहला टीम के कैप्टन का और सेकेंड एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का या ओनर का। उसको जो जो चीज़ें कंसर्न करती है वो चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करके ये मैनेजमेंट का पार्ट सीख सकते हो। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको पहले 3 पॉइंट्स हो गए। पहले 3 पॉइंट्स के हेडिंग्स एक बार वापस बोल देता हूँ। पहला, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। थर्ड, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अभी करेंगे 4th। अभी आपने ये सीखा होगा कि हर चीज़ में रिस्क होता है। अभी रिस्क तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है और बिजनेस में कॉमन स्पीक लाइन बहुत ज़्यादा मशहूर है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो बिजनेस में रिस्क है, अभी वो रिस्क है तो रिस्क को मिनिमाइज कैसे करूँगा? फ्यूचर में जो आने वाली रिस्क है वो तो है ही, अभी वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। जैसे एक एग्जांपल, मैंने कोई एक पर्टिकुलर शॉप डाला, सपोज मैंने शूज़ का शॉप डाला और मैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी से शूज़ परचेज करता था। अभी मैंने स्टॉक करके रखा शूज़ का और फिर मुझे पता चला कि मार्केट में वो कंपनी के शूज़ ही बैन कर दिए, अभी मेरा तो पूरा स्टॉक वेस्टेज में, तो ये तो रिस्क है ही, पर ये मैं मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ? प्लानिंग करके। प्लान क्या करूँगा मैं, भाई आगे आने वाले कुछ दिनों में ये शूज़ की डिमांड है क्या, तो ही परचेज करूँ, नहीं तो नहीं, अननेसेसरी स्टॉक करके रखने में क्या मतलब है? समझ में आया? तो इससे आप रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। ये पॉइंट आगे डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्ट वापस आया, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके रखना, तो प्लानिंग ये फोरकास्टिंग पे डिपेंडेड है। और फोरकास्ट करने से मैं फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है वो ये अभी से सोच के रखूंगा तो मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। समझ में आया? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में देखना और फ्यूचर के चेंजेस अभी से एंटिसिपेट करके रखना। एंटिसिपेट करके रखना मतलब सोच के रखना कि फ्यूचर में ये चेंजेस आ सकते हैं। समझ में आया? बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग shows the way to deal with changes and uncertain events.
पहले से अगर मैं डिसाइड करके रखूँ तो प्लानिंग से जो भी आने वाले चेंजेस है या फिर अनसर्टन इवेंट्स है उन पे अभी से कंट्रोल आ जाएगा मेरा। देखो बिजनेस के ना दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब क्या, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो बिजनेस के थोड़े बहुत कंट्रोल में है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके एम्प्लॉयज हो गया। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बाहर के बाकी के लोग है, जैसे गवर्नमेंट हो गया वो सब। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो तो रिस्क है अभी, वो समझ के रखना, सोच के रखना। सपोज एक एग्जांपल वापस, वो शूज़ वाला एग्जांपल वापस ले लेते, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टाइप के शूज़ मैंने परचेज करके रखे और गवर्नमेंट ने वो टाइप के शूज़ ही बैन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, मेरा तो पूरा स्टॉक वेस्ट। समझ में आया? तो मैं पहले से सोच के रखूंगा कि अरे न्यू गवर्नमेंट आने वाली है तो न्यू रूल्स आएंगे, तो अभी से जो है स्टॉक कम करके रखो। स्टॉक बढ़ाने में कोई मतलब नहीं, एक बार गवर्नमेंट सेटल हो गई, रूल्स प्रॉपर हो गए, तो फिर प्रॉपर स्टॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? आगे, चेंजेस ऑफ रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विद प्रिवेंटिव मेजर्स। रिस्क को टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, टोटली मैं निकाल नहीं सकता, बट उसको टैकल कर सकता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके। और एक एग्जांपल, कोरोना के केस में आप रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, पर आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेके। फीवर है तो कंटिन्यू चेकअप करवाते रहो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं वो चेक करते रहो, गर्म पानी पीते रहो, तो ये सब प्रिकॉशन हो गए, आपको आने वाली रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? आगे, इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कोरोना के एग्जांपल से। फ्यूचर में अगर भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, पर किसी को भी फ्यूचर में अगर कोरोना होने वाला रहेगा तो पहले से प्रिकॉशंस लेके रखेगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे, आई होप सो तुम लोग को सब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। 10 पॉइंट्स है टोटल, उसमें से अपने 4 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड उसी में कंटिन्यू आने वाला है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बेस्ट पॉसिबल यूज। प्लानिंग जो है वो रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करता है। समझ में आया? जैसे वापस एक एग्जांपल, मैं वापस वो शूज की दुकान वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको अगर शूज की दुकान के प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे कि नहीं वो चेक करना है, तो आप कैसे करोगे, और वो सब एक एक्सप्लेनेशन से बताता हूँ। सपोज मेरे पास चार कस्टमर्स आए, वो चार कस्टमर्स में से चार कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए मेरे पास तीन जन है, जो तीन जन शूज का देखते हैं कि उनको शूज प्रॉपरली फिट हो रहे हैं कि नहीं, और एक जो एम्प्लॉय है उसको शूज का प्रॉपर फिटिंग का पता चलता है, पर वो शूज का फिटिंग का काम नहीं करता है, बल्कि वो उनको पानी देने का काम करता है। बट मैं उसको सैलरी वो शूज का चेक करने का भी दे रहा हूँ। अभी वो ऐसे ही बैठा है तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये कस्टमर को तू अटेंड कर, तो वो कस्टमर को अटेंड करेगा, तो मेरा जो खाली पड़ा हुआ रिसोर्स है ना वो यूटिलाइज हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही मैं प्लानिंग से, प्रॉपर प्लानिंग से मेरे जितने भी रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे कि नहीं वो मैं चेक करूंगा। समझ में आया? तो आगे इसका डिटेल रीडिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। प्लानिंग में क्या देख के करूंगा कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। टग ऑफ वॉर का एग्जांपल वापस ले लेते हैं। टग ऑफ वॉर के केस में आपके पास दो रस्सियां थी, तो दो रस्सियों का आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर इफिशियंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज किया तो क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मुझे आउटपुट ज्यादा मिलने लगेगा, और आउटपुट ज्यादा मिला तो फिर मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। यहाँ तक समझ में आया? लास्ट लाइन इसकी रीड कर लेते हैं। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं जाने देना है, प्रॉपर प्लान करके हर एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है। एक भी बंदा आपकी टीम का खाली ऐसे ही नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ काम दो ताकि उसका ग्रोथ होते रहे। समझ में आया? 5 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, हाफ इंपॉर्टेंस डिस्कस हो गया है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। 6th पॉइंट की तरफ जाता हूँ, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। भाई आगे का फ्यूचर अभी से प्रेडिक्ट करके रखूंगा तो मुझे आज से ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलने लगेगी। जैसे शूज वाला एग्जांपल वापस,
शूज का जो स्टॉक है वो बना के रखना है कि नहीं, वो किससे पता चलेगा? प्लानिंग से पता चलेगा। तो मुझे प्लानिंग से पता चलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं शूज का स्टॉक बना के रखूं कि नहीं, वो डिसीजन लेने में मुझे प्लानिंग हेल्प करेगा। समझ में आया? देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल्स। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग क्या करता है? हर एक अल्टरनेटिव चेक करता है और हर एक अल्टरनेटिव से पॉजिटिव चीज क्या होगी वो देखता है और उससे नेगेटिव चीज क्या होगी। एक एग्जांपल वापस शूज का, सेम एग्जांपल वापस देते हैं। सपोज मैं शूज का स्टॉक आज करके रख रहा हूँ, एक अल्टरनेटिव है, और दूसरा नहीं करना, करके रखता हूँ, तो पॉजिटिव क्या होगा? अगर आगे आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने चेंजेस नहीं किए तो मेरे पास शूज का स्टॉक सबसे ज्यादा होगा मेरी लोकेलिटी में, जिससे मैं ज्यादा शूज बेच पाऊंगा। पर बदले में उसका नेगेटिव क्या होगा? सपोज गवर्नमेंट ने वो शूज बैन कर दिए तो मैं वो शूज किसी को बेच नहीं पाऊंगा, जिससे वो स्टॉक जो है पूरा टोटल वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड अल्टरनेटिव भी शूज का स्टॉक नहीं करके रखना। पॉजिटिव इसमें क्या होगा कि मेरा स्टॉक वेस्ट नहीं होगा, और सेकेंड नेगेटिव क्या होगा, अगर ये शूज की डिमांड बड़ी मार्केट में और बैन नहीं हुए तो मैं अवेलेबल करके नहीं दूंगा। समझ में आया? आगे लास्ट के दो लाइन से वो रीड कर लेते हैं, फिर 6 पॉइंट एंड हो जाएगा। Decisions are taken after selecting alternative courses of action to achieve a predefined goal. अभी अपना गोल पहले से डिसाइडेड है और अपन डिसीजन से क्या करेंगे, कौन सा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मैंने लेना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा और मुझे डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा। ये फर्स्ट ये वाले पॉइंट का और सेकेंड वाले पॉइंट का लिंकिंग है। समझ में आया? कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर पता चलेगा, उसके बारे में डिसीजन में ईजिली ले सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पॉइंट है यूजफुल इन सेटिंग द सॉरी एक पॉइंट स्किप हो गया मेरा। इट हेल्प्स द मैनेजर, वही 6 पॉइंट का लास्ट पॉइंट आपका। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजंस का कल एक एग्जांपल लिया था, ऐसे डिसीजंस जिनके पीछे कोई ना कोई रीजन हो, तो मैं डिसीजन भी ऐसे ही ले पाऊंगा कि जिसके पीछे रीजन हो। स्टॉक आउट नहीं करके रखना। क्यों नहीं करके रखना स्टॉक? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट चेंज होने वाला है, तो न्यू रूल्स किस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से स्टॉक करके रखना। समझ में आया? अभी सेवेंथ पॉइंट ले लेते हैं। चलो 6 पॉइंट पहले, 6 पॉइंट्स हो गए हैं, अच्छे से याद करना। मैं आपको इसके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर से मैं आपको कोई ना कोई वर्ड बना के दूंगा, वो भी कैसे लर्न करना है वो भी बताऊंगा। अभी के लिए समझने पे पूरा फोकस रखिए। देखिए एक बार समझ प्रॉपर गया ना तो आपका लर्निंग भी प्रॉपर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड मतलब क्या? सपोज एक एग्जांपल, मेरे यहाँ के हर एक वर्कर का मैं इफिशिएंसी मेजर करता हूँ और रेगुलर में बोलता हूँ कि एक वर्कर 19 इयर्स के एज का या फिर 25 इयर्स के एज का एक वर्कर मेरा 10 आवर्स तक काम कर सकता है। अभी 25 इयर्स के जितने भी बाकी के वर्कर्स हैं उनका इफिशिएंसी मैं उसके साथ कंपेयर करूँगा। सपोज वर्कर ए है वो 10 घंटे काम करता है, उसका इफिशियंसी 100%। दूसरा जो है वो 9 आवर्स काम करता है तो इफिशियंसी उसका 90%। तो उसी हिसाब से मैं स्टैंडर्ड्स सेट करूंगा और वो स्टैंडर्ड, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ 10 आवर्स, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड के साथ मैं कंपेयर करके डिसाइड करूंगा कि मेरे जो लोग हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दूसरे से लिंक है। प्लानिंग करना मतलब क्या? प्लान करके रखना। और कंट्रोलिंग मतलब क्या? चेक रखना कि जो मैंने प्लान किया हुआ है वो उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं। सपोज मैंने प्लान करके रखा कि 25 साल का वर्कर 10 घंटे रोज काम करना चाहिए उसने, तो मैं रोज चेक करूंगा इसने आज कितने घंटे काम किया, कल कितने घंटे काम किया था, आने वाले कल में वो कितने घंटे काम करता है, वो सब मैं चेक करके रहूंगा। इसका डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग so the actual performance can be compared with the standards and manager can find out the deviation if any between the actual and the standard performance. अभी वापस एक example, वो 10 hours वाला example लेते हैं। Suppose एक 25 years का worker 10 hours काम करता है और उसने 9 घंटे काम किया, तो उसका जो 1 घंटे से है वो deviation है। deviation मतलब क्या? change। 1 घंटा वो कम काम कर रहा है, negative deviation बना गया। समझ में आया? तो इस हिसाब से मैनेजर को हेल्प करता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंपेयर करके डेविएशन निकालने के लिए, ताकि वो सोचे कि भाई कल मैं कंट्रोल के लिए वापस क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच हो जाए। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। समझ में आया? इसके रिगार्डिंग आपको फर्स्ट लेसन में मोशन एंड टाइम स्टडी भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो लेसन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब वो भी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसका थोड़ा सा आप भी बता देता हूँ।
उन्होंने बोला है कि कोई भी वर्कर के बारे में डिसीजन लेने से पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि वो एक काम को कितना टाइम लेता है और वो कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह हिलता है, तो उस हिसाब से मैं स्टैंडर्ड सेट करूंगा, उसका मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा 10 डेज के लिए और फिर मैं उसकी इफिशियंसी डिसाइड करूंगा। समझ में आया? आगे सच डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। ये जो डेविएशन है वो ब्रिज कैसे करूंगा मैं, मतलब 9 आवर्स को 10 आवर्स तक कैसे पहुंचाऊंगा कंट्रोलिंग स्टेप्स लेके, वो वर्कर पे वॉच रख के, क्योंकि कितना एक घंटा टाइम पास कर रहा है क्या वो, या फिर उसका सच में इफिशियंसी उतना ही है, इफिशियंसी गियर अप करने के लिए कुछ उसको ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, वो सब चेक करना। तो इस हिसाब से करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं मैनेजर्स। आगे करते हैं। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग से डिसिप्लिन भी रहता है कि लोग प्रॉपर काम कर रहे ना, टाइम पास तो नहीं कर रहे ना, तो प्लानिंग से इफिशियंसी बढ़ती है और डिसिप्लिन रहता है, तो प्लानिंग ये कंट्रोल के लिए बेस प्रोवाइड हो जाता है। समझ में आया? 8, 9 और 10 3 पॉइंट्स बाकी है, 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंस। आगे देखते हैं। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अपन ने सीखा था स्टार्टिंग में कि एक ऑर्गेनाइज एक जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को हेल्प करता है और दोनों भी इनसेपरेबल होते हैं, तो इसी तरीके से इसका 8th इंपॉर्टेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है ताकि मैं सब एक्टिविटीज प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करवा सकूं। समझ में आया? इसका डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब क्या, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे ओवरलैप तो नहीं हो रही है। एक वापस एग्जांपल, सपोज शूज के स्टॉकआउट के केस में मैंने एक बंदे को शूज लेने के लिए भेजा, उसको बोला जा भाई शूज लेकर आ, ये पर्टिकुलर साइज के, ये पर्टिकुलर कंपनी के 10 pairs लेकर आ, और मैंने वो 10 pairs जब तक मुझे पता है कि उसको सपोज ट्रांसपोर्ट वगैरह करके 2 दिन लगते हैं वो शूज लाने के लिए, और मैंने वो 2 दिन के पहले ही किसी का ऑर्डर ले लिया वो शूज का और उसको बोला मैं आपको 1 दिन में अवेलेबल करवाऊंगा, तो एक एक्टिविटी वो शूज लाने की एक्टिविटी और वो ऑर्डर फुलफिल करने की एक्टिविटी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई। समझ में आया? तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठा। समझ में आया? तो इस हिसाब से प्लानिंग करके मुझे पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना। अब इसमें प्लानिंग क्या कर सकता हूँ कि भाई ठीक है मुझे 2 दिन लगने वाले, वो सामने वाले बंदे को बोलने का मेरा बंदा गया है 2 दिन में लेकर आएगा शूज का स्टॉक, तो 2 दिन के बाद मैं आपका ऑर्डर फुलफिल कर देता हूँ, तो उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट कर दोगे। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर विच इज कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से लिंक्ड है तो अपने को इंटरलिंकिंग करके दोनों में प्लानिंग करके प्रॉपर लिंकिंग बिठा के कोऑर्डिनेशन करना है। समझ में आया? वो दोनों डिपार्टमेंट्स या वो दोनों एक्टिविटीज का झगड़ा आपस में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आगे आई होप सो तुम लोग को सब समझ में आ रहा होगा, नहीं समझा मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड। अच्छे प्लानिंग से क्या होता है, 2 डिपार्टमेंट के बीच का इंटर रिलेशन जो है वो मैं स्टडी कर लेता हूँ और दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन हो जाता है। एक एग्जांपल, सपोज मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाला, उसमें 2 प्रोसेस है, मेरे गुड्स जो है वो ए प्रोसेस में से प्रोसेस होके बी प्रोसेस की तरफ जाते हैं और बी डिपार्टमेंट प्रोसेस करके उसको आगे बेचता है। सपोज ए डिपार्टमेंट का प्रोसेस हो गया है पर बी डिपार्टमेंट ने ए डिपार्टमेंट से कलेक्ट ही नहीं किया और मैंने उनके ऊपर वॉच नहीं रखा या प्लानिंग नहीं किया उसका प्रॉपर, तो फिर मेरे गुड्स जो है वो ए और बी प्रोसेस के बीच में फंस जाएंगे और मुझे फिनिश गुड्स नहीं मिलेंगे जो मैं मार्केट में बेच नहीं पाऊंगा। समझ में आया? इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। लास्ट के 2 ही फंक्शंस बाकी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है प्लानिंग के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली स्टडी करना है। 9th और 10th 2 ही है लास्ट के, जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, आपको ये समझ में भी आएगा, डोंट वरी। 9th पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, बाकी के मैनेजमेंट फंक्शंस को हेल्प करता है। ऊपर कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है वो देखा, कंट्रोल के साथ का रिलेशन देखा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजिंग को कैसे हेल्प करेगा ये, मुझे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता आएगा तो होगा ना ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? तो प्लानिंग जो है वो बाकी के मैनेजमेंट फंक्शंस को भी हेल्प करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टूवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज।
गोल प्लानिंग स्टेज पे सेट हो जाता है और बाकी के फंक्शंस को मैं गोल से लिंकिंग भी कर देता हूँ, तो सब फंक्शंस के बारे में भी मुझे पता चल गया और गोल के बारे में पता चल गया, तो प्लानिंग से ये जो भी है स्मूथ वर्किंग होता है। अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग से जो है ना बाकी की चीज़ें मैं कर ही नहीं सकता अगर प्लानिंग नहीं किया तो, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे गोल ही नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैं रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करूंगा अगर मुझे वही पता नहीं कि क्या करना है तो, और मैं स्टाफिंग भी नहीं कर पाऊंगा, लोगों को अलर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? लास्ट पॉइंट है एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लर्न करके रखना अच्छे से और इंटरेस्टिंग भी है। लास्ट पॉइंट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। प्लानिंग में मैं इनोवेशन कैसे लाऊंगा? ये चीज अब तक 10 घंटे में हो रही थी तो क्या ये चीज 5 घंटे में हो सकती है क्या, या 7 से 8 घंटे में कवर हो सकती है क्या, उसके लिए एक अलग वे ढूंढूंगा। इनोवेशन मतलब क्या? अलग वे ढूंढना चीजें करने का। समझ में आया? जैसे एक सब्जेक्ट आपको लर्न नहीं हो रहा है, आपने एक तरीका अप्लाई करके देखा, फिर आप दूसरा तरीका अप्लाई करोगे और वो सब्जेक्ट को जल्दी कवर करोगे। समझ में आया? इसका डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकली एक चीज के बारे में सोचूंगा मैं, क्रिटिकली थिंक करना मतलब क्या, हर एक एंगल से उसके बारे में सोचूंगा मैं और फिर इनोवेटिव आइडियाज लेकर आऊंगा। समझ में आया? क्लियर है एकदम इनोवेशन कैसे होता है प्लानिंग में। अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इनोवेटिव आइडियाज से क्या होगा, फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एकदम बेसिक फंक्शन है पर इससे बाकी के फंक्शन लिंक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चैलेंजिंग एक्टिविटी है कि अगर मैं प्लान ठीक से करूँ तो ही मेरे बाकी के फंक्शंस ठीक से होंगे, तो इस वजह से फ्यूचर फंक्शंस को, फ्यूचर एक्शंस को प्रॉपरली लिंक करने के लिए मुझे प्लानिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा, जो कि एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। चैलेंजिंग एक्टिविटी मतलब क्या? इनोवेटिव एक्टिविटी। मैं उसके अंदर अलग अलग आइडियाज लेकर आऊँगा, जितने न्यू चैलेंजेस उतना न्यू इनोवेशन। समझ में आया? लास्ट में कुछ लाइंस दी है प्लानिंग कंक्लूड करने के लिए, वो लाइंस भी पढ़ लेते हैं। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। प्लानिंग सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज में ही नहीं लगता है, इंडिविजुअल के लाइफ में भी लगता है। स्टडी का प्लानिंग, टाइम का प्लानिंग, खेलने का प्लानिंग, मूवी का प्लानिंग, तुम लोग छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे चीजों में प्लानिंग, ए मूवी का प्लान करते ना ऐसे बोल देते हो, तो उधर भी आप प्लानिंग यूज करते हो। समझ में आए? मूवी का प्लानिंग, कितने दूर है यहाँ से जगह, कौन सी मूवी देखनी है, कितने टाइम पे देखनी है, फिर घर पे टाइम पे पहुंच तो जाएंगे ना, उस हिसाब से आप सब प्लानिंग करोगे। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के करियर में नहीं, इंडिविजुअल के लिए भी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टन एंड द बिजनेस एनवायरमेंट इज चेंजिंग। फ्यूचर अनसर्टन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है और बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होते जा रहा है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए मैं प्लानिंग करूंगा और प्लानिंग के हेल्प से वो कंट्रोल कर पाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली, हेंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए, तीनों के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अपन ने पढ़ लिया, यहाँ पे अपना ख़त्म होता है ये सेशन। कोई भी डाउट हो, मैंने मेरा नंबर ड्रॉप किया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक बटन हिट करिए और बेल आइकॉन हिट करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला वीडियो मैं कल लॉन्च करूँगा वापस, अगले वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग अपन कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।